फ्रेंड्स आई एम संजय कुमार सिन्हा असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम बी डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाइबासा टुडे वी विल रीड पेपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा फॉर बी सी ए फोर्थ सेमेस्टर, एंड टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, एंड टुडे दिस इज फिफ्थ लेक्चर डिसीजन मेकिंग एंड रूपिंग इन प्रोग्रामिंग समटाइम्स वी नीड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटिडली वाइल सम कंडीशन इवेलट्स टू ट्रू मीन्स जब हम लोग ये जावा में और भी हम लोग जब इससे पहले पढ़े थे जो ब्रांचिंग जब पढ़े थे ठीक है अब यहाँ पर हम लोग लूपिंग के बारे में जानेंगे जब प्रोग्रामिंग हम लोग जब करते हैं तो कई सारे जब हम लोग को कंडीशन आते हैं कि कोड जो है जो कोडिंग करते हैं या कोई कई सारे इंस्ट्रक्शन को बार बार हम उसको रिपीट हम करना चाह रहे हैं उसमें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ठीक है और ख़ास करके जब उसको एवेलट्स टू ट्रू मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक वो रिपीट करता रहेगा तो वैसे कंडीशन में हम लोग ये डिसीजन मेकिंग का यूज करते हैं और लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं लूप हाउ एवर लूप स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए रिपीटेड ऑर्डर तो जब हम बार बार उस ऑर्डर को जब हम इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग ंग और लूप स्टेटमेंट को हमको कई बार ऐसा कई सारे इंस्ट्रक्शन को हम लोग को रिपीट करना पड़ता है द एग्जीक्यूशन ऑफ़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स अपॉन ए पर्टिकुलर कंडीशन और जो हम लोग कई सारे इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट कराते हैं तो चूँकि कई कंडीशन ऐसे रहते हैं प्रोग्रामिंग में ताकि हम लोग को बार बार उसको एग्जीक्यूट करना पड़े रिपीट करना पड़े तो वैसे कंडीशन में हम लोग लूप का यूज करते हैं इन जावा वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स दैट एग्जीक्यूट सिमिलरली वैसे आप ये लूप जो आप सी और सी प्लस में पढ़ चुके हैं सेम यहाँ भी वही है ठीक है हाउ एवर देर आर डिफरेंसेज इन देर सिंटेक्स एंड कंडीशन चेकिंग टाइम थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखेंगे सिंटेक्स में ठीक है जो सी और सी प्लस में आप पढ़े हैं तो देखिए इसमें तीन तरह का लूप पढ़ना है हम लोग को फॉर लूप वाइल लूप एंड टू वाइल लूप सबसे पहले हम लोग फॉर लूप को पढ़ते हैं इन जावा फॉर लूप इज सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस इट इनेबल्स अस टू initialize द लूप वेरिएबल चेक द कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन ए सिंगल लाइन ऑफ कोड syntax देखिए इसका आप यहाँ पर चूंकि हम लोग ऑलरेडी सी सी प्लस पढ़े हैं फिर भी उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है लूपिंग, चूँकि इसके मतलब विदाउट हम लोग मैक्सिमम प्रोग्राम हम लोग जब भी करते हैं तो लुपिंग का मैक्सिमम जब जगह हम लोग को यूज करना पड़ता है फॉरकर सिंटेक्स देखिए सबसे पहले इनिशलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग रेंज जो होगा कहाँ से शुरू करेगा कंडीशन चेक करना कंडीशन बीच वाला जो है मैक्सिमम कहाँ तक चेक करेगा थर्ड जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब एक एक जो है पोजिशन और एक एक स्टेप uh, जो है उसको आगे अगर इंक्रीमेंट इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है मतलब एक एक स्टेप घटना है तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग यहाँ पर देते हैं जो देखते होंगे आप आई पेल प्लस या माइनस प्लस आई इस तरह से फिर नीचे कई सारे स्टेटमेंट देंगे और आप वो आपका कोड जो है कंप्लीट होगा एक डायग्राम हमने फ्लो चार्ट में दिखाया है देखिए जैसे स्टार्ट किए फिर इंसलेशन किए बीच में देखिए कंडीशन चेक मतलब कंडीशन जो आप डायग्राम देख रहे हैं वहाँ पर तो उसका कंडीशन में दो कंडीशन होगा या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा अगर ट्रू है तो ये फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और कंडीशन चेक करता रहेगा बार बार ठीक है जब तक वो ट्रू रहेगा जैसी कंडीशन फॉल्स होगा वो कंडीशन रुक जाएगा टर्मिनेट देखिए नीचे में देखिए टर्मिनेट कर जाएगा ठीक है अब इसमें हम लोग इसको देखेंगे कि इसका एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं देखिए पब्लिक क्लास कैलकुलेशन नाम का एक हमने क्लास लिया पब्लिक स्टार्टिक बॉइडमेन स्टिंग ए आर जी एस ठीक है आप समझ रहे हैं पूरे स्टेटमेंट को फिर यहाँ पर देखिए सम में हम लोग इनिशलाइज़ किए जीरो और उसको इन डेटा टाइप से लिए अब यहाँ पर लूप देखिए हम चला रहे हैं फॉर लूप चलाए इन जे एक नया हम यहाँ वेरिएबल ले रहे हैं जे नाम का जिसमें हम लोग क्या इनिशलाइज़ हम लोगों ने किया वन और उसको डेटा टाइप लिया हम लोग इंटीजर जे लेस दें टेन जे का वैल्यू तब तक रिपीट करेगा कंडीशन जब तक टेन से इक्वल या उससे लेस देन जब तक रहे और जे प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट करती जाएगा मतलब वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री ऐसे चलता जाएगा और नीचे देखिए को जो कोड है इंस्ट्रक्शन का वहाँ पर लोग क्या डाले है, हम लोगों ने सम इक्वल टू सम प्लस जे मतलब सम का जैसे जीरो इनिशियलाइज किया है तो जीरो प्लस जे का वैल्यू जैसे वन है तो जीरो प्लस वन फिर सम में आकर वन स्टोर करेगा फिर चेक करेगा कि जे का वैल्यू जब तक टेन ना हो जाए तब तक वो कितना बार करेगा टेन टाइम्स मतलब वन प्लस टू ऐसे करते जाएगा और सबको फाइनली क्या करेगा सम करते जाएगा वो सम प्लस सम प्लस जे सम प्लस जे जे का वैल्यू चुकी वो मतलब इंक्रीज़ करते जाएगा और जो भी सम में स्टोर होगा वो उसको ऐड करके सम में डालते जाएगा और फाइनली जब टेन कंप्लीट हो जाएगा तो लूप से बाहर आकर फिर डिस्प्ले करेगा द सम ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर इज और सम का जो वैल्यू होगा तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज़ फिफ्टी चूँकि ऐड करके आप मैनुअली आप देख लेंगे तो टोटल कंप्लीट वो फिफ्टी आएगा तो इस तरह से देखिए हम लोग हम लोगों ने सम को सॉरी फॉर लूप को हम लोगों ने देखा अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाइल्ड लूप को द वाइल्ड लूप इज़ ऑल्सो यूज टू इटरेट ओवर द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम वाइल्ड लूप का यूज़ हम लोग कब करते हैं जब हम लोग कई स्टेटमेंट को कई टाइम्स इटरेट करना है मतलब तो रिपीट करना है हालांकि इसका भी हम लोग वही जैसे फॉर्म कर, कर रहे थे यहाँ भी वही करेंगे लेकिन कुछ डिफरेंस है यहाँ पर हाउ एवर इफ यू डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस देखिए फॉर इसमें डिफरेंस क्या है फॉर में पहले से पता है कि ये लूप वन से शुरू होगा और टेन से स्टार्ट होगा जो हम लोगों ने दिया है ऊपर बट यहाँ हम लोगों को पहले से पता नहीं होता है कि कितना बार ये रिपीट करेगा कंडीशन तब उस कंडीशन में हम लोग जनरली वाइल्ड लूप का यूज करते हैं अनलाइक फॉर इन द इनिशलाइजन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन साइड द लूप स्टेटमेंट इन वाइल्ड लूप वाइल लूप में भी हम लोगों को चूंकि फॉर में जैसे हम लोग इनिशियलाइज़ हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ से शुरू होगा फिर इंक्रीमेंट करेगा इस तरीके से यहाँ पर हम लोग उसको नहीं कर, लूप हम लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं वाइल्ड लूप में इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंट्री कंट्रोल लूप सिंस द कंडीशन इज चेक्ड एट द स्टार्ट ऑफ द लूप एक तरह से इसको हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कर सकते हैं जब चूंकि स्टेटमेंट को चेक करता है ये जब देखिए यहाँ पर कहता है कि इफ द कंडीशन इज ट्रू जैसे जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब देन द बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड मतलब बॉडी लूप बॉडी चलते रहेगा एग्जीक्यूट करते रहेगा अदरवाइज द स्टेटमेंट आफ्टर द लूप विल भी एग्जीक्यूटेड नहीं तो फिर स्टेटमेंट जो है लूप के बाद आ, मतलब एग्जीक्यूट करता रहेगा नहीं तो चलता रहेगा ठीक है अब देखिए वाइल का एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ देख लेते हैं सिंटेक्स देख लेते हैं पहले वाइल कंडीशन जो भी कंडीशन दे रहेगा तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन उसका ट्रू रहेगा नीचे लूप स्टेटमेंट ट्रू क्लोज इसमें एक सिंपल हमने एक डायग्राम दिया है आप वो तो डायग्राम से देख लें फ्लोर चार्ट के थ्रू सबसे देखिए ऊपर में स्टार्ट कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन चेक करने में दो कंडीशन होगा ट्रू या फॉल्स तो देखिए सबसे पहले ट्रू नीचे वाला है ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते रहेगा बट अगर जैसे ही फॉल्स होगा तो टर्मिनेट कर जाएगा फिर इसलिए जब तक ट्रू रहेगा तब तक स्टेटमेंट जो है देखिए रिपीट करता रहेगा करता रहेगा सिंपल देखिए एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है कैलकुलेशन नाम का हमने क्लास लिया फिर वही पब्लिक स्टैटिक डिपार्टमेंट स्ट्रिंग आर एस एस यहाँ हमने आई को इनिशियलाइज किया जीरो से सबसे पहले और डेटा टाइप हमने क्या लिया इंट अब देखिए डिस्प्ले करेगा एक लाइन प्रिंटिंग द लिस्ट ऑफ फर्स्ट टेन इवन नंबर ठीक है स्लैशिंग चूँकि हमने यहाँ पर डिस्प्ले भले एक लाइन में कर दिया बट वो तो आपको डिस्प्ले करता जाएगा तो देखिए यहाँ पर वाइल अब यहाँ पर एक डिस्प्ले कर दिया प्रिंट द लिस्ट ऑफ टेन फर्स्ट टेन इवन नंबर बट लूप कब तक चलेगा जब तक चेक करेगा जीरो शुरू करेगा और आई लेजन टू टेन जब तक आई का वैल्यू टेन तक ना हो जाए अब ये स्टेप कैसे बढ़ेगा नीचे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और आई चूँकि आई को प्रिंट करना है और इसीलिए देखिए वहाँ पर एक लूप नीचे हमने कंडीशन डाला है कि आई इज कल टू आई प्लस टू तो ये रिपीट करता रहेगा कब तक जब तक कि वाइल लूप का आई का वैल्यू टेन ना हो जाए तो आई प्लस टू मतलब आई का जीरो हमने किया जीरो प्लस टू 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 को प्रिंट कर देगा फिर चेक करेगा जाके कि आई का वैल्यू टेन तो नहीं हुआ नहीं हुआ फिर टू प्लस टू फोर फोर प्रिंट कर देगा फिर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट प्लस टू टेन जैसे ही टेन आएगा मतलब आई आए का वैल्यू देखेगा अब टेन का इक्वल हो गया लूप से बाहर जाएगा मतलब जब तक वो ट्रू था तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा था जैसे ही फॉल्स हुआ टर्मिनेट कर गया तो इस तरह से हम लोग वाई लूप का यूज कर सकते हैं और अब नीचे जो है आपका डू वाई लूप ठीक है द डू वाई लूप चेक्स द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप स्टेटमेंट एक्चुअली डू डुबाइल का यूज हम लोग कब करते हैं जब लूप का का जो एंड हो जाता है और कंडीशन चेक करते करते एंड हो जाए और कई सारे जब लूप का स्टेटमेंट का जब एग्जीक्यूट करने के बाद जब लूप एंड हो जाएगा तब उसको डिस्प्ले करेगा हाउ एवर इट इज रिकमेंडेड टू यूज़ द डू डूबाइल लूप इफ यू डोंट नो द कंडीशन इन एडवांस यहाँ भी डू डुबाइल लूप भी तब हम लोग यूज़ करेंगे जब तक हम लोगों को कोई कंडीशन का पहले से पता नहीं रहे कितना बार वो रिपीट करेगा एंड वी नीड टू लूप टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इसमें डुबाइल में एक ये बेनिफिट मतलब अंतर है वाइल लूप से कि यहाँ पर एटलीस्ट एक बार जरूर कंडीशन को ये चेक करेगा जैसे वाइल्ड में क्या था कि हो सकता है पहली बार में ही कंडीशन अगर उसको फॉल्स मिल जाए तो टर्मिनेट हो जाएगा बट डू वाइल्ड लूप में क्या है कि हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो पहला कंडीशन चेक होगा जरूर उसके बाद अगर सेकेंड अगर उसको फॉल्स मिला तभी टर्मिनेट करेगा बट बट पहला एक बार जरूर एटलीस्ट वंस एक बार जरूर चेक करेगा ये इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप ये भी एक तरह से एग्जिट कंट्रोल लूप है वाइल्ड लूप की तरह सिंस द कंडीशन इज नॉट चेक इन एडवांस अब यहाँ सेंटेक्स देखिए वही डू है सबसे पहले डू मतलब वहाँ स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करना शुरू किया लेकिन वाइल हम लोग लास्ट में देंगे कंडीशन को चेक करेगा लास्ट में फ्लो चार्ट देख लेते हैं डू वाइल का सेम वही है डू स्टार्ट किया स्टेटमेंट बट देखिए पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर करिए अब वहाँ स्टेटमेंट में अब कंडीशन में आया तो कंडीशन में ट्रू फॉल्स दोनों मिलेगा अगर ट्रू होगा तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा नहीं तो फॉल्स होगा तो टर्मिनेट कर जाएगा अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पर शो किया है यहाँ भी कैलकुलेशन हमने लिया पब्लिक स्टडी बॉइडमेन स्ट्रिंग ए आर जी एस फिर यहाँ देखिए आई का वैल्यू हमने इनिशिलाइज किया जीरो से एक लाइन डिस्प्ले किया प्रिंटिंग द लिस्ट ऑफ फर्स्ट टेन इवेन नंबर ये लाइन डिस्प्ले करेगा अब देखिए डू हमने लिखा डू के बाद देखिए अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेड एन आई आई को प्रिंट करेगा तो यहाँ कहता है कि डू के बाद कंडीशन उसके बाद चेक करेगा देखिए वाइल नीचे आ गया मतलब ये पहले एक बार आई का वैल्यू जरूर को जरूर एक बार प्रिंट करेगा मतलब आई का वैल्यू सबसे पहले क्या है जीरो तो जीरो जरूर प्रिंट करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा कि पहला एक बार एटलीस्ट जरूर एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद वो वाइल्ड लूप में जाएगा तो आई आजकल टू आई प्लस टू तो आई का वैल्यू जीरो था जीरो पहले प्रिंट कर दिया तो जीरो प्लस टू 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 को नीचे प्रिंट किया फिर चेक करेगा वाइल्ड लूप में अब यहाँ बार बार वाइल्ड में नीचे आ चेक करेगा कि जब तक आई का वैल्यू टेन ना हो जाए तो देखिए फर्स्ट टेन ही बने में जैसे ही टेन नीचे कंप्लीट होगा वो लूप से बाहर आ जाएगा इस तरीके से ये प्रिंट कर देगा जीरो टू फोर सिक्स एट टेन तो इस तरीके से हमने हम लोगों ने ये लूपिंग लूप को पढ़ा जो आप पहले भी देख चुके हैं फिर हम लोग यहाँ ने रिपीट किया फॉर वाइल्ड अ डू वाइल्ड अब हम लोग जो आपका सिलेबस में पढ़ना है जंप इन लूप्स ठीक है जंप स्टेटमेंट्स आर यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स जंप स्टेटमेंट का यूज हम लोग कहाँ कब करते हैं जब एक जगह मतलब एक कंट्रोल से ट्रांसफर करना हो दूसरे में खास करके स्टेटमेंट में प्रोग्राम में तब हम लोग इसका यूज करते हैं दूसरे शब्दों में इसको और समझ लें जंप स्टेटमेंट ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू तो अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मैंने दूसरे पार्ट अगर प्रोग्राम में जाके हम लोग उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में तो जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं जैसे ब्रेक एंड कंटिन्यू तो पहले जावा ब्रेक स्टेटमेंट को देख लेते हैं एज द नेम सजेस्ट द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक द करेंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द करेंट फ्लो एक्चुअली ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कब करते हैं जब मान लें कि कोई करंट प्रोग्राम का हम लोग फ्लो हो रहा है और उसको फिर दूसरे स्टेटमेंट में हम उसको मतलब बाहर जाकर उसको फिर करंट फ्लो से बाहर जाकर उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं इट इज़ यूज टू ब्रेक द लूप एंड स्विच स्टेटमेंट हालांकि इसका हम लोग लूप में भी यूज कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं हाउ एवर इट ब्रेक्स ओनली द इनर लूप ऑन द केस ऑफ द नेस्टेड लूप कई बार जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप का यूज़ करेंगे उस जगह भी इसका यूज कर सकते हैं

फोर लूप में देखिए हमने लिया इंट आई कल जीरो आई में हमने जीरो लिया लूप चलेगा कहाँ तक टेन तक, तक आई प्लस प्लस फिर डिस्प्ले करेगा सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलवन ठीक है आई को डिस्प्ले करेगा तो आई सबसे पहले डिस्प्ले करेगा मतलब आई का वैल्यू जीरो है और कब तक चलेगा टेन तक अब देखिए नीचे कंडीशन एक है ठीक है वो तो लूप है जीरो टेन तक, तक चेक करेगा बट एक नीचे कंडीशन हमने डाला कि इफ़ आई इक्वल टू सिक्स जैसी आई का वैल्यू सिक्स होगा ब्रेक मतलब उसको कहता है रुक जाना है ठीक है आप देखिए ब्रेक और यहाँ पर चार नीचे जब जितना ओपन हुआ था क्लोज हो गया तो आप आउटपुट में देखेंगे कि जीरो के बाद देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स के बाद देखिए डिस्प्ले नहीं कर रहा है क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा हालांकि लूप में हमने दिया था जीरो से लेकर टेन तक बट उसको हमने कंडीशन डाला कि जैसे ही आई का वैल्यू सिक्स होगा वो रुक जाएगा ब्रेक हो जाएगा मतलब इस तरह से वहाँ देखिए सिक्स के बाद रुक गया ठीक है अब यहाँ पर नीचे हमने एक फिर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं लेबल्ड फॉर लूप के साथ में एग्जाम्पल देखते हैं ठीक है अब देखिए हाँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हमने कैलकुलेशन फिर पब्लिक स्टैटिक स्टार्टिंगडमेन स्टिंग आई आर जी एस नीचे देखिए ए कॉलन फिर यहाँ पे एक लूप हमने यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है फॉर में अब देखिए तीन लूप चला यहाँ पर एक बार ए के लिए एक बार बी के लिए एक बार सी के लिए ए के लिए जीरो से स्टार्ट करिए फिर लेस देन तक टेन तक कहता है लूप चलेगा बी का कहता है जीरो से लेके फिफ्टीन तक चलेगा और सी का ट्वेंटी तक अब देखिए सिस्टम डॉट आउट आउटऑट प्रिंट एलन के के को डिस्प्ले करेगा तो के सबसे पहले जीरो चुकी था जीरो डिस्प्ले कर दिया अब यहाँ कहता है के इजकल टू फाइव ब्रेक ए मतलब ब्रेक ए मतलब ए वाला कंडीशन कहता है वो चेक करेगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर तो क्या डिस्प्ले कर दिया फ़ाइव क्योंकि ए में हम लोगों ने कहाँ तक ए को देखिए यहाँ पर ए में हम लोगों ने टूँ टेन तक लिया था तो चूंकि जीरो से लेकर फाइव तक उसको परी रोक दिया अब उन तीसरा कोई चेक ही नहीं करेगा वो तो ये था जो हम लोग एग्जाम्पल जस्ट किए लेबल्ड फॉर लूप के साथ में ठीक है नेक्स्ट हम लोग इसमें जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ना है अनलाइक ब्रेक स्टेटमेंट द कंटिन्यू स्टेटमेंट डज नॉट ब्रेक द लूप जैसे ब्रेक स्टेटमेंट क्या हो रहा था कि हम लोग लूप को रोक दे रहे थे उस तरह उसका कंटिन्यू स्टेटमेंट जस्ट उसका अपोजिट करेगा ये स्किप करेगा स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लूप एंड जंप टू द नेक्स्ट स्ट्रेशन ऑफ द लूप इमीडिएटली मतलब जैसे कंटिन्यू मतलब उसको रोक रोक के मतलब स्किप करके दूसरे इटरेशन में फिर वो तुरंत चला जाएगा देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जांपल में क्लियर समझेंगे कंटिन्यू एग्जांपल पब्लिक क्लास का नाम है फिर पब्लिक स्टैटिक स्टेडमेंट एस्टिंग अब देखिए एक लूप हम लेते हैं यहाँ पर दो तरह का लूप चला रहे हैं एक बार इंट आई का एक बार जे का जीरो से स्टार्ट करते हैं आई का लिजन इक्वल टू और आई प्लस प्लस फिर एक बार जे का लेते हैं जे इजकल टू आई मतलब आई वाला जो वैल्यू है वो जे में स्टोर करते जाएगा और जे का लूप चलेगा फाइव तक जे प्लस प्लस अब देखिए नीचे कंडीशन डाला में कि अगर जे का वैल्यू फोर हो चूँकि ये लूप चल रहा है तो जीरो वाला पहला लूप चल रहा है फिर वो जे में स्टोर करते जा रहा है तो पहले जैसे जीरो प्रिंट किया फिर देखिए वन आया तो वन को यहाँ डाला फिर इसका करते देखिए टू नीचे आप में देखिए तो जे इज टू फोर मतलब जैसे फोर टाइम्स फोर जे का वैल्यू हो रहा है वो कहता लूप रुक जा रहा है तो पहले वन टू देखिए वहाँ पर जैसे ही फोर आ रहा है मतलब कंटिन्यू कर रहा है कंटिन्यू में मतलब कि जैसे फोर को देखिए डिस्प्ले नहीं किया है बाकी कंटिन्यू कर दे रहा है जैसे वन टू थ्री जैसे ही फोर आया तो फोर कंटिन्यू करके फिर वो फाइव डिस्प्ले कर दिया फिर वन टू थ्री फोर को स्किप मतलब फोर स्किप कर दिया फिर फाइव को कंटिन्यू कर दिया फिर इस तरह से बढ़ते चले जा रहा है तो देखिए ये कंटिन्यू का मतलब कि वो जो हम लोग वहाँ पर जिसको वहाँ एक जो कंडीशन डाले थे उसको स्किप करके बाकी कंडीशन को ये रन एग्जीक्यूट कर दे रहा है ठीक है नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है इसमें लेबल लूप ठीक है पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेस्टेड लूप इफ वी पुट ब्रेक स्टेटमेंट इनर लूप कंपाइलर विल जंप आउट फ्रॉम इनर लूप एंड कंटिन्यू द आउटर लूप अगेन कहता है नेस्टेड लूप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब इनर लूप में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है इनर लूप से जंप करके और फिर आउटर लूप में कंटिन्यू कर देता है व्हाट इफ़ यू नीड टू जंप आउट फ्रॉम द आउटर लूप यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट गिविन इनसाइड इनर लूप कहता है क्या ऐसा जरूरत है कि आउटर लूप में हमको ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करके इनर लूप के थ्रू हम लोग फिर जंप करें द आंसर इज वी शुड डिफाइन लेबल इसको अगर हम करना चाहते हैं तो लेबल एक लूप है जो उसको हम लोग कॉलन के साथ यूज हम लोग कर सकते हैं लेबल और कॉलन इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तो या एक पहले हम सबसे पहले इसको हम लोग एक सेंटेक्स देख लेते हैं इसका एक देखिए दो तरह का हमने दिखाया लूप विदाउट लेबल और एक लूप विथ लेबल तो लूप विदाउट लेबल में आप जो सिंपल आप अभी तक फॉर लूप किए हैं ब्रेक देखिए यूज किए यहाँ पर वो आप देख रहे हैं राइट साइड में देखिए डिफरेंस है थोड़ा जहाँ ब्रेक के बाद लेबल वन हम लोगों ने यूज़ किया है इसको और क्लियर हम लोग करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए विदाउट लेबल लूप क्लास का नाम लिए पब्लिक स्टैटिक बो एडमेन स्ट्रिंग ए दो वेरिएबल लिया हम लोगों ने आई और जे इंटीजेट डेटा टाइप लिया अब देखिए दो लूप चलेगा एक बार आई के लिए एक बार जे के लिए तो आई का अब हमने स्टार्ट कहाँ से निचलाइज किया वन से आई लेस देन टेन इक्वल टू टेन आई प्लस प्लस पहला एक लाइन डिस्प्ले करेगा फिर जे एजकल टू वन डिस्प्ले करेगा टेन तक दोनों लाइन का हम लोग डिस्प्ले कराए अब यहाँ पर देखिए इफ जे एज कल टू ब्रेक सॉरी फाइव तो जे का वैल्यू कहता है जैसे ही फाइव होगा तो ब्रेक ठीक है अब स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करेगा आप देखिए वहाँ पर नीचे गौर कीजिए कि वन टू तो थ्री फोर फाइव फिर वन टू तो थ्री करते करते कितना बार चला टेन टाइम्स हो कहता देखिए बगल में लिखा हमने इन दब एग्जाम्पल स्टेटमेंट वन विल ब्रेक इन द इनर लूप एंड जंप आउटसाइड फ्रॉम इनर लूप टू तो एग्जीक्यूट आउटर लूप मतलब इनर लूप को से जंप करके वो सीधा आउटर लूप में एग्जीक्यूट कर गया तो टेन टाइम्स को प्रिंट कर रहा है मतलब भले ही हम लोग फाइव डाले बट वो टेन टाइम्स कंप्लीट प्रिंट कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें लेबल लुक के बारे में ये था आपका विदाउट लेबल लुक जो अभी हम लोगों ने देखा है चूंकि दो हम लोगों ने सेंटेंस को दिखाया है ये विदाउट लेबल यहाँ पर देखे हमने कोई लेबल नहीं लगाया अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे वो आपका होगा विथ लेबल के साथ में यहाँ पर देखिए सेम वही दो वेरेबलिया आई जे फिर यहाँ भी देखिए लूप अब गौर कीजिए लूप वन में हमने डाला पहला वही जो डाला फॉर लूप को फिर यहाँ पर डिस्प्ले किया फिर लूप टू को देखिए डाला सिस्टम बॉर्डर प्रिंटेल एन जे प्लस दिखाएंगे हम लोग अब नीचे गौर कीजिए इफ़ जे इज इक्वल टू फाइव अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या दिख रहा है ब्रेक लूप वन ठीक है तो ब्रेक लूप वन तो अब यहाँ पर चूंकि आउटपुट जब दिखाएगा तो देखिए सिंपल वन टू थ्री फोर फाइव मतलब वन से लेकर फाइव तक दिखाया अब यहाँ नीचे देखिए हमने इसको क्लियर किया है कि स्टेटमेंट वन विल बी ब्रेक द इनर लूप एंड जम्प आउटसाइड द आउटर लूप वो सीधा चूँकि जे का कंडीशन ही था फाइव तक प्रिंट करेगा तो इनर लूप को ब्रेक करके और सीधा वो जंप कर गया कहाँ आउटसाइडर आउटसाइड वाले लूप में मतलब जो इजे एज कल डो फाइव तो इसीलिए यहाँ पर जो हमने स्टेट जो लेबल डाला ये लेबल लूप के साथ हम लोग यहाँ पर इसको देखे ठीक है तो ये जो चैप्टर था आपका आज का जो हम लोग स्टार्ट किए थे जो डिसीजन मेकिंग एंड लुपिंग तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका और ये जो जावा का जो फिफ्थ लेक्चर था तो हम लोग अभी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एंड लुपिंग हम लोग ने कंप्लीट किया तो अभी तक आप जितने भी ब्रांचिंग और लुपिंग और ये सारे हम लोग वाइल्ड वाइल्ड फॉर वो सब आप समझ चुके होंगे और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर अगले क्लास हम लोग फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है तब तक जो पढ़िए ओके थैंक यू